अरे का ये टप्पू, कब का बुलाया इसे लेकिन अभी तक नहीं आया। ये आजकल के बच्चों को ना समय की कीमत ही नहीं है। अरे हमारे जमाने में लोग कितना पंक्चुअल हुआ करते थे, जरा भी लेट हुए तो पनिशमेंट मिलती थी, लेकिन नहीं, आजकल के बच्चों को तो कीमत ही नहीं है, बेशिस्त उठले सगड़े। और ये देखो अभी तक मेरा चाय नाश्ता नहीं आया। माधवी, चाय नाश्ता हुआ कि नहीं? बस दो मिनट, किसी को समय की कदर नहीं है। गुड मॉर्निंग बाबा। व्हाट इज द गुड अबाउट दिस मॉर्निंग बेटा? अरे क्या हुआ आपको? अरे कब से टप्पू को बुलाया अभी तक नहीं आया। कहाँ जाएगा बाबा, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन कब आएगा? गुड मॉर्निंग बेटा। देयर इज नथिंग गुड अबाउट दिस मॉर्निंग। टप्पू किधर है? नहीं पता भीड़े अंकल। भीड़े अंकल? हाँ। मैंने भी नहीं पता टप्पू कितने है। तो तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? ये लीजिए नाश्ता। वाह। अरे आप लोग आ गए? हाँ माधवी आंटी, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड। अजय से मारते पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। सोनू ने कहा था पूरी टप्पू सेना को आज नाश्ते के लिए बुला थे, इसलिए मैंने सबको बुला लिया। टप्पू कहाँ है? अरे कब से मैं भी टप्पू की राह देख रहा हूँ, है कहाँ वो? मैंने कब से बुलाया उसको, अभी तक नहीं आया। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, चलो नाश्ता करते हैं। हाँ चलो। हाँ अब सब लोग बैठो, मैं गरमा गरम आलू वड़ी लेके आती हूँ। अरे वाह आलू वड़ी। अरे एक मिनट, माधवी आंटी ला रहे हैं ना। थैंक यू। ए भाई कहाँ हो तुम, मैंने कब का बुलाया तुम्हें, लेट क्यों है? भीड़े अंकल गणपति बाप्पा आ रहे हैं तो तैयारी करने में थोड़ा बिजी था। ऐसी कौन सी तैयारी करने में बिजी थे तुम भाई? और मुझे सबसे पहले ये बताओ कि गणेश उत्सव का बजट क्या है? भीड़े अंकल आप बजट का टेंशन मत लीजिए। वो टेंशन मत लो, मतलब सोसाइटी फंड से पैसा देने वाला हूँ मैं। हाँ भीड़े अंकल एग्जैक्टली, सोसाइटी फंड से देने हैं, आपके जेब से कहाँ देने हैं। ठंड पाओ, टप्पू सेना फंड जमा कर लेगी। जैसे हमने जन्माष्टमी में फंड जमा करके सोसाइटी का फायदा करवाया वैसे ही, ठीक है ना भीड़े अंकल? ठीक है ठीक है। हाँ बाकी की क्या तैयारी चल रही है? ओके बताता हूँ भीड़े अंकल। तो इस बार हम सोसाइटी में श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की प्रतिकृति लाने वाले हैं। वो तो मुझे पता है टप्पू, लेकिन बाकी की तैयारियाँ क्या हो रही है? बाकी सारी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। लेकिन वो क्या ना आपको नहीं बता सकते, सरप्राइज है ना इसलिए। प्रॉब्लम है ऐसा, हर बार सरप्राइज। अरे भीड़े अंकल इस बार तो सरप्राइज पे भी और एक सरप्राइज है। भीड़े अंकल मैंने आपके लिए एक स्पेशल ड्रेस तैयार करवाया है। स्पेशल ड्रेस? हाँ। क्या मतलब? भीड़े अंकल गणपति बापा जब हमारे सोसाइटी में आएंगे तब आप वो कपड़े पहन के गणपति बापा का स्वागत करेंगे। हाँ। बाकी क्या ड्रेस लिया है टप्पू ने? क्या ड्रेस लिया, एकदम चंगा, एकदम मस्त लिया। अच्छा क्या क्या ड्रेस है टप्पू? वो तो सस्पेंस है, आपके लिए सरप्राइज है। सर देखो टप्पू, ड्रेस मैं पहनने वाला हूँ ना तो मेरा जानना जरूरी है कि ड्रेस क्या है। आहो, बच्चों ने कुछ डिसाइड किया होगा तो कुछ अच्छा ही होगा। सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दीजिए, मुझे टप्पू पर पूरा भरोसा है। अरे लेकिन थैंक यू माधवी आंटी। भीड़े अंकल अब सारा टेंशन छोड़ दो, गणपति बाप्पा की सारी तैयारी एकदम मस्त चल रही है। हाँ। चलो ना अपन नाश्ता करते हैं। चलो 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 क्या करो। चलो फ्रेंड्स बहुत सारा काम बाकी निकल जाए। खत्म किया सब। आखिर के 4 बजे थे वो भी लेके गया घोड़े। आप टेंशन मत लीजिए, जो ड्रेस मैं आपको भेजूंगा आपको वही पहन के आना है। ओके बाय बाय। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ड्रेस। क्या माधवी क्या होगा सरप्राइज ड्रेस? देखिए मुझे अभी बहुत काम है, मुझे गणपति बापा के लिए मोदक बनाना है। हा? अरे कमल है, अरे आई तो सब बिजी है यहाँ पे। एक बात समझ में नहीं आती कि ये टप्पू ने मेरे लिए कौन सा स्पेशल ड्रेस बनाया है। कहीं वो मुझे जोकर का ड्रेस ना पहना दे। ये टप्पू मुझे कुछ भी बना सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। टप्पू ने मेरा टेंशन कम करने के बदले बढ़ा दिया। अब जब तक मैं जान नहीं लेता कि टप्पू मुझे कौन सा ड्रेस बनाने वाला है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बोलिए
बोलिए सेठ जी, वॉइस सो अर्जेंट SOS कॉल। मतलब सेठ जी, नट्टू काका पूछ रहे हैं आपने हमें अचानक अर्जेंटली गोडाउन में क्यों बुलाया? एनीथिंग सीरियस? ए भाई अंग्रेजी। नट्टू काका एक मिनट। यस। अब थोड़ी देर शांत रहेंगे तो सेठ जी हमें बता पाएंगे कि उन्होंने हमें अचानक अर्जेंटली गोडाउन में क्यों बुलाया है। थैंक यू बाका। बताइए सेठ जी। अरे क्या बताइए? इज नथिंग टू से। नहीं नट्टू काका, उन्हें बोलना है, बहुत 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 कुछ बोलना है। हाँ, लेकिन आप उन्हें बोलने का मौका देंगे तो वो बता पाएंगे ना कि उन्होंने हमें अचानक अर्जेंटली गोडाउन में क्यों बुलाया है। थैंक यू फिर से थैंक यू बाका। बताइए सेठ जी। सॉरी। बाका, नट्टू काका, गणेश उत्सव आ रहा है, फिर नवरात्रि आएगी, एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं। तो? अरे तो कोई अच्छी सी स्कीम सोचो एक महीने के लिए, ताकि हमारा धंधा बढ़े। ओह आई सी, इसके लिए हमें सेठ जी ने अर्जेंटली गोडाउन में बुलाया। सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, इस गणेश उत्सव में हर खरीदार को एक सोने का लड्डू दे तो। सोने का लड्डू? मतलब सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं लड्डू पीतल का या किसी भी सस्ते धातु का हो, उस पे सोने का पानी चढ़ाकर कस्टमर को दे दे तो, है ना नट्टू काका? बेंगोन। अरे पर ऐसे लड्डू का कस्टमर क्या करेगा, असली लड्डू हो तो खा भी सकता है। नहीं नहीं, चीज कोई ऐसी देनी चाहिए जो हमारे बजट में हो, कस्टमर को दे तो उसे अच्छा भी लगे और उसे काम में भी आए। ओहो, बहुत काम है। सोचो जल्दी कुछ अच्छा सोचो। जी सेठ जी। मिल गया सेठ जी, मिल गया। क्या सेठ जी, इस गणेश उत्सव में जो भी कस्टमर हमारी दुकान से कोई भी चीज खरीदेगा, उसे आने वाले एक महीने तक किसी भी खरीदी पर पूरा 11% डिस्काउंट। इससे इस गणेश चतुर्थी में हमारा धंधा तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके बाद भी हमारा धंधा बढ़ेगा। स्कीम तो बहुत अच्छी है बागा, बट वाई 11? नट्टू काका, 11 का आंकड़ा बहुत शुभ होता है। लोग गणपति में डोनेशन देते हैं तो भी 11 रुपया, 111 रुपया, 11 सबको बहुत बहुत पसंद आता है नट्टू काका। और नट्टू काका, मार्केट में लोग 10% डिस्काउंट तो देंगे ही, लेकिन इस 1% ज्यादा डिस्काउंट की लालच में कस्टमर हमारी दुकान से ही खरीदी करेगा। वेरी गुड बागा, वेरी गुड भाई, मुझे तो स्कीम बहुत अच्छी लगी। सेठ जी, अब आगे आप देखिए। नहीं, स्कीम तो अच्छी है। तो हम जाके बैनर्स बनवा ले। आइए नट्टू काका। अच्छा सुनो। हाँ? भाई हर साल की तरह इस साल भी गोकुल धाम में गणेश उत्सव हो रहा है, तो दर्शन करने आ जाना। ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे। अरे दोनों नहीं, तीनों। हाँ हाँ, मगन को भी ले आएंगे। आजकल बावरी से झगड़ा चल रहा है? नहीं नहीं सेठ जी। तो फिर बावरी की जगह मगन कैसे याद आ गया? बावरी जी की बात कर रहे थे सेठ जी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू, हम चारों आ जाएंगे। चौथा कौन? मगन। नहीं नहीं, मगन नहीं आ पाएगा। उसने मुझे बोला इस साल वो अपने घर पर भी गणपति जी को ला रहे। ठीक है सेठ जी, हम तीनों आ जाएंगे। नट्टू काका, गोकुलधाम के गणेश उत्सव में हम हमारी ओर से एक छोटा सा चांदी का मोदक ले जाएं? यस यस बागा बॉय। और हाँ सेठ जी, भीड़े भाई से कहिएगा अगर गणेश उत्सव की तैयारी में हमारी कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमें बुला ले। नहीं नहीं, भीड़े नहीं, इस बार टप्पू सेना तैयारी कर रही है। और टप्पू सेना क्या, इस साल तो गोकुलधाम सोसाइटी का हर परिवार गणपति जी के आगमन में जुट गया है। कल हमारी सोसाइटी में गणपति पापा आ रहे हैं ना, उनके लिए स्पेशल मैंने ये मोदक बनाया है। ओह माय गॉड, क्या मोदक है, खाने का मन ही ना हो। अरे मतलब कि इतना अच्छा सजाया है कि खाएंगे।
महादेवी भाभी, मस्त मोदक बनाया आपने। थैंक यू। अब ऐसे महादेवी भाभी के हाथ के बनाए हुए मोदक तो हमेशा बेस्ट ही होते हैं। बराबर बबीता जी, और पता है भीड़े बहन के हाथों से बने मोदक टप्पू को तो पसंद है ही। टप्पू के साथ साथ टप्पू के पापा को भी बहुत पसंद है। अरे दया भाभी, तारक को तो माधवी भाभी के हाथ के बने मोदक इतने पसंद है कि वो दिन के पांच पांच मोदक खा जाते हैं। सच कहूं माधवी भाभी, तो गणेश चतुर्थी के त्योहार में मेरे डाइट प्लान पे तो पानी फिर जाता है। अभी सभी आप लोग भी तो दिखाइए कि आपने गणपति बप्पा के लिए क्या क्या तैयारियां की है। एक मिनट, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। इस बार मैंने गणपति बप्पा की आरती के लिए थाल बनाया है, जिसको मैंने अलग अलग दाल अनाज इत्यादि से सजाया है। देखिए, वाओ, क्या बात है अंजलि भाभी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वाओ गणपति बप्पा, मस्त मस्त बनाया अंजलि भाभी, वेरी क्रिएटिव, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। अब बताइए आपने क्या बनाया है। मैंने गणपति बप्पा के लिए ये मुकुट बनाया है। ये आपने बनाया है? ऑफ कोर्स, कोई शक नहीं। नहीं मतलब ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, बहुत सोचूच है, इसलिए पूछा। थैंक यू। वैसे कोमल भाभी, आप ना बिल्कुल छुपी रुस्तम हुआ, आपके पास ये भी टैलेंट है तो हमें पता ही नहीं था। हाँ। कोमल भाभी, क्या हुनर है, एकदम धानी की जेम फूटता है। बहुत कुछ आता है इनको, मस्त बनाया। वैसे बबीता जी और रोशन भाभी, आपने क्या तैयारियां की है बताओ। ये देखो, मैंने ये गणपति बाबा के लिए स्पेशल हार बनाया है। नाइस, बहुत अच्छा है। और हार में रुद्राक्ष का उपयोग किया है ना, उससे हार और अच्छा लगता है, और गणपति बाबा पर तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आप बताओ। हाँ, मैंने गणपति बाबा की पूजा के लिए ये एक थाली तैयार की है, जो की भी चम 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 छे। बहुत बढ़िया बनाया ये, अपने खुद ने बनाया? जैसे को तैसा। दया भाभी आप बताइए। गणपति बापा को मेरी तरफ से ये बाजोट। ब्यूटीफुल डिजाइन दया भाभी, क्या बनाया है आपने? माय गुडनेस, क्रिकेट है अभी, बहुत सुज्जू बनावियो छे। अरे आप लोग गलत फैमिली पाल रहे हैं। ये मैंने नहीं बनाया, दुकान से लेके आई हूँ। अभी सुथारे काम में हाथ जरा पक्का करना बाकी है। तो इस बार हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के गणपति पापा को हम इसी बाजोट पर विराजमान करेंगे, बराबर? मुझे कोई प्रश्न नहीं। कौन, ये भी कोई कहने की बात है। तो हम सब ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, इसलिए हम सब के लिए एक बार जोरदार हो जाए। अरे वाह, क्या बात है, एंट्री पे तालियां है ना ना। थैंक यू थैंक यू। वैसे ऐसा क्या किया मैंने माधवी? अहो, आपके लिए तालियां नहीं बजा रहे हैं। पता है, होता ऐसे ही जरा। वो हम सब ने गणपति बापा के लिए मस्त मस्त चीजें तैयार की है ना, इसलिए हम अपने लिए ही तालियां बजा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू। चलिए, तैयारियां तो सब एकदम अच्छे से हो गई है। Yes! तो कल सुबह गोकुल धाम सोसाइटी में गणपति बाप्पा का जोरदार स्वागत होगा। अरे बिल्कुल करेंगे, जोरदार करेंगे। तो चलो अब हम चलते हैं, घर पे बहुत सारा काम बाकी है। अरे नहीं, आप लोग बैठो, मैं हूँ अंदर। हा? अरे नहीं बेटे भाई, हम लोग वैसे भी निकल ही रहे थे, आप आराम से बैठो, अपना ही घर समझो। अब किस बात का टेंशन है आपको? तुम्हें कैसे पता टेंशन है? भूख लगने के बाद आप नाखून तो नहीं खाते कभी? माधवी, मुझे ये सोच सोच के टेंशन हो रहा है कि टप्पू ने मेरे लिए कौन सी ड्रेस बनवाई होगी। ओहो
बाबा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टप्पू ने जो भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। और पता है, हमने टप्पू सेना के लिए भी स्पेशल कपड़े तैयार करवाए हैं। अरे वाह, चांद, मुझे टप्पू सेना का टेंशन नहीं है भाई, मुझे ये टेंशन है कि मेरे लिए क्या ड्रेस बनवाई होगी। सोनू माझी गुणाची बाई ना तू, बोल बोल बोल। बता दू नहीं सोनू, टप्पू ने मना किया है। तुम क्यों टप्पू की साइड ले रही हो? चांद रहो। ओके, बता देती हूँ। हाँ हाँ बता। सोनू तुला टप्पू वर भरोसा नहीं का? नहीं का, नहीं नहीं है, नहीं है। माझा टप्पू वर भरोसा नहीं है। ओके सोनू तू बोल। ओके आई बता ही देती हूँ। हाँ शाबाश शाबाश बोल। बाबा, टप्पू ने आपके लिए जो कपड़े तैयार करवाए हैं वो आपके लिए सरप्राइज है। क्या आप टेंशन ले रहे हो? कमाल है भाई, छोड़ दो टेंशन लेना, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अरे पर, अरे मुझे ड्रेस पहनना है तो मैं ही टेंशन लूंगा ना। ये टप्पू हर बार सरप्राइज देकर मुझे टेंशन में डाल देते हैं। तेरे लिए क्या कपड़े सिलेक्ट किए होंगे? भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई। अरे क्या हुआ अब्दुल, कुछ प्रॉब्लम हो गया? नहीं कुछ नहीं। तो दौड़ के क्यों आए ऐसे? क्या है ना, दुकान पे कोई है नहीं इसीलिए। ओ अच्छा अच्छा, हाँ बोलो क्या काम है? टप्पू ने आपके लिए कपड़े भिजवाए। अभी नहीं, टप्पू ने कहा है कि कल गणपति पापा आएंगे, तभी ये कपड़े देखना है और पहनना है और गणपति पापा का स्वागत करना है। अच्छा ओके, और कहा है कि आप टाइम पर आ जाना। अच्छा, जाके टप्पू को कहना कि आत्मराम तुकाराम भिड़े गोकुलाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, वो हमेशा तैयार होके वक्त पे ही आ जाता है। भिड़े भाई, ये तो मुझे भी पता है, वो कह रहे टप्पू का मैसेज था, वो मुझे देना था, मैंने दे दिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठीक भिड़े भाई, गणपति पापा कल आने वाले। अरे भाई अंदर रख रहा हूं मैं थैली। हाँ अब्दुल, तुला माझ्यावर भरोसा नाही काय? हो आहे ना, जा ना दुकानात, कोण नाही ना, जा जा। ओहो मुझे पक्का यकीन है कि ये डेफिनेटली जोकर का ही ड्रेस होगा, इसलिए मुझे बोला था कि कल देखो। वाह, जिंदगी में पहली बार टप्पू ने अच्छा काम किया, मेरे लिए क्या कपड़े भेजे, दिल खुश हो गया। बस अब तो दिल कर रहा है कि कब गणेश जी का आगमन हो और कब मैं ये कपड़े पहन के उनका स्वागत करूं। गणपति बापा मोरया। बैंड बाजा वाले को बोल दिया है, मंडप मंडप वाले को सब बता दिया ना कैसे क्या करना है। ओके, और लाइटिंग लाइटिंग सारी हो गई ना? लाइटिंग तो ठीक है, और पुजारी जी को भी बोल दिया है। और स्वीट्स का क्या हुआ? स्वीट्स हो गए ना? वो सब हो गया, टेंशन मत ले। ठीक है ठीक है, और पेड़ अंकल का ड्रेस भी पहुंचा दिया है। सारी तैयारियां हो गई। टप्पू, सारी तैयारियां कैसे हो गई? तूने बीड़े अंकल के लिए स्पेशल कपड़े भिजवा दिए, लेकिन हमारे कपड़ों का क्या? अरे यार, मैं तो अपने कपड़ों का ऑर्डर देने ही भूल गया। तुम भूल गए होगे, पर मैं बिल्कुल नहीं भूली। मतलब? मतलब हम भी स्पेशल कपड़े पहन के जाएंगे पापा का स्वागत करने। अरे वो नानो भाई ड्रेस वाले है ना, मैंने उनको अपने स्पेशल कपड़ों का ऑर्डर दे दिया है। अरे वाह, वेरी गुड सोनू। अरे अच्छा ये तो बता, हम लोग सब कल क्या बनने वाले हैं? हाँ हाँ बताना बताना। वो तो तुम सबको कल सुबह ही पता चलेगा। अरे वो कल सुबह क्यों? क्योंकि सरप्राइज है। अच्छा, यानी अब तू टप्पू सेना को सरप्राइज देगी? हाँ। अगर टप्पू सेना सबको सरप्राइज दे सकती है तो क्या मैं तुम लोगों को सरप्राइज नहीं दे सकती? अरे नहीं नहीं सोनू, तू भी मैं सरप्राइज दे सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, कल हम गणपति बापा का स्वागत करेंगे और उनके धमाकेदार एंट्री करेंगे। ओके yes. तो बोलो गणपति बापा मोरया। अरे साहब ये तो कमाल हो गया, टप्पू के भेजे हुए कपड़े भिड़ो को पसंद आ गए। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में होगा। खैर टप्पू ने क्या कपड़े भेजे हैं भिड़े के लिए और गणपति बापा का स्वागत कैसे करेंगे गोकुलधाम निवासी, ये तो पता चलेगा आपको कल। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.